How did you? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खुश और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सभी खैरियत से हैं। तो आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो में पूरे इन तक बने रहिएगा। हो सकता है इसमें आपके लिए बहुत सारे बहुत हेल्पफुल टिप्स हो। जो भी लोग ट्रेवल करने जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो या इंडिया से कनाडा हो या यूएसए हो, तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली होगी। यहाँ पे जो हम क्लिप्स शेयर कर रहे हैं बैकग्राउंड में, वो आप देख सकते हैं, ये मेरे लास्ट ट्रेवल की पिक्चर्स हैं, जिसमें कि ये सागवान फैमिली है जो कि हमें इंडिया एयरपोर्ट पर मिले थे दिल्ली में, जो कि हमारी फ़्लाइट थी यूके के लिए। उस फ्लाइट से पहले ये लोग हमें एयरपोर्ट पर मिले थे। तो यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हो, बैकग्राउंड में आप हमारी शॉपिंग देखोगे जो कि विंटर के हिसाब से हो रही है। तो हम साथ में आपसे ये शेयर करेंगे कि आप जब ट्रेवल कर रहे होते हो, आप जब प्लानिंग कर रहे होते हो इंडिया से, आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, खास करके यूएस और कनाडा, अमेरिका और कनाडा, इन दो कंट्रीज़ के बारे में हमें थोड़ा सा, हमें लगता है कि जो आपको चीज़ें पैक करने की ज़रूरत होंगी या फिर जिन चीज़ों को अवॉइड करना होगा, वो थोड़ा बहुत मिलती जुलती होंगी। तो चले हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको लानी चाहिए और क्या चीज़ें जिन्हें आपको बिल्कुल भी लाने का सोचना भी नहीं चाहिए, जो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी हो सकती हैं, ऐसी चीज़ें उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी ज़िंदगी की, जो हमारी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है हमारा खाना, कपड़ा और घर। तो हम उल्टा इसको फर्स्ट कैटेगरी में, हम सबसे पहले जो हमारे घर की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं या फिर हमारे जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पासपोर्ट है और साथ में जो भी पेपर्स है, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो या फिर आप किसी जॉब के पर्पस से आ रहे हो, तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की जो फोटोकॉपी है ना, वो ज़रूर करा के रख लेनी चाहिए। साथ में दो चार कॉपी ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि यूएस में ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। और साथ में जो आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है, उसके भी दो चार कॉपी ज़रूर रख लेने चाहिए, पासपोर्ट साइज़ कॉपी फ़ोटो के, ये जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आती है, सेकंड नंबर पे जो आता है, वो हमारे जो भी आप कह सकते हैं हमारी जो मेडिसिन्स होती हैं, अगर प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन है तो वो ज़रूर आपको लेनी चाहिए, आपको अपने साथ ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि यूएस में आके आपको इस तरह की मेडिसिन लेना अलाउ नहीं होगा। आपको बिना डॉक्टर की परमिशन के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपकी मेडिसिन नहीं मिलेगी, जिसके लिए आपको बड़ा लंबा टाइम लग सकता है, पहले डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स, उसके बाद फिर मेडिसिन, तो ये लंबा टाइम लग सकता है, जिसके लिए आपको काफ़ी सफ़र करना पड़ सकता है। तो आपके लिए बेहतर है कि अगर आप अमेरिका आ रहे हो तो अपनी जो मेडिसिन है जो कि आपकी प्रिस्क्राइब की हुई है, आप उसको प्रिस्क्रिप्शन के साथ, मीन्स की जो डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर जो आपको मेडिसिन चल रही हो, उसको आपको ज़रूर रख लेना चाहिए। एटलीस्ट आपको 1 वीक या 1 मंथ का ज़रूर ले लेना चाहिए। और साथ में आपको वो भी मेडिसिन्स लेनी चाहिए जो कि आप जैसे कफ, कोल्ड और फ्लू के लिए, या फिर डायरिया या वॉमिटिंग के लिए, इस तरह की मेडिसिन साथ में जो आप ले सकते हो है मूव है, आइडेक्स है, या फिर ग्राइप वाटर, जो कि हम ज़रूर लाते हैं। हम हमेशा, हमारे बच्चे छोटे से, तब से हम इंडिया से जब भी फर्स्ट टाइम आए, तब से हम ग्राइप वाटर और एक लाल तेल होता है, ये दो चीज़ हमारी ज़रूर हमारे साथ में लाते थे। जैसे और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम ज़रूर लाते थे। अगर आप देखना चाहते हो कि हम क्या क्या चीज़ें लाए हैं अब तक, तो मेरी लास्ट वीडियो ट्रैवल वाली जो चेकलिस्ट है, आप उसको चेक कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने मिल जाएंगी। आई होप आप इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें आपको देखने को, समझने को मिलेंगी। और आपको जो लाने की ज़रूरत होती है इंडिया से, एक वो चीज़ है जो कि है, लाना है जो आपको, आप ला सकते हो आराम से, और जो कि यूएस में आपको काफ़ी महंगा पड़ता है, वो है आपके रिलीजियस बुक्स। अगर आप जिस भी रिलीजियस से आप फॉलो करते हो, उससे रिलेटेड आपके जो भी सामान होते हैं, जैसे आप अगर मुस्लिम हो तो आपको अपने जनमाज है, कुरान शरीफ है, या फिर आप उससे रिलेटेड जो भी बुक्स आप पसंद करते हो, अपने बच्चों के लिए जो भी बुक्स आप लेना चाहते हो, वो आपको ज़रूर लेके आनी चाहिए। या फिर अगर आप किसी और रिलीजन से हैं तो अपने रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें आपको लेके आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं।
और जो चीज़ें लाने वाली होती है, एक तो ये होता है एथनिक वेयर्स, मीन्स के आप जेंट्स अगर हैं तो उनके लिए कुर्ता पजामा है, या फिर उनके जो फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं वो यहाँ पे काफ़ी महंगे पड़ते हैं। अमेरिका में ये सारी चीज़ें मिल तो जाती हैं पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। उसी तरह आपके फॉर्मल शूज़ है वो भी आपको इंडिया से ज़रूर लेके आने चाहिए, और उसी तरह लेडीज़ के लिए उनको अपने जो ड्रेसेस हैं डेली वेयर के हैं या फिर कैजुअल ड्रेसेस हैं जो एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले होते हैं, पार्टी वेयर्स होते हैं, तो उस तरह की चीज़ें भी आपको, उस तरह के ड्रेसेस भी आपको ज़रूर इंडिया से लेके आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये सब कपड़े जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। साथ में बैकग्राउंड में आप देख रहे हो बहुत ही अच्छी सी खूबसूरत सी कार है जो कि हम अपने बेटे के लिए गए थे विंटर की शॉपिंग करने के लिए, तो यहाँ पे हमने ये सारी शूट भी की है। तो आप इसको भी इंजॉय करो ब्रेड में, और बातें भी करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो हमें इंडिया से ज़रूर लेके आनी चाहिए। और उसके बाद है, अगर आप ग्लासेस वेयर करते हो तो आपको अपने ग्लासेस ज़रूर इंडिया से दो चार पेयर ज़रूर बना के लेके आना चाहिए, चाहे आप इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो, क्योंकि यहाँ पे ग्लासेस के पेयर्स जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, और जो सनग्लासेस होते हैं वो भी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। अगर आप सनग्लासेस लेना चाहते हो तो लो, अदरवाइज आपको आपके पावर ग्लासेस हैं तो वो आपको डेफिनेटली इंडिया से या पाकिस्तान से जहाँ से हो आपको बना के ज़रूर लेकर आना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है, और फिर आपको काफ़ी लंबा टाइम भी लग जाता है। अगर आपको रिपेयर कराने जाओ तो आपको काफ़ी लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो इसलिए वो चीज़ें आपको लेके आनी चाहिए। फिर उसके बाद आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो चीज़ें भी जो है ना वो आपके पास अगर है पहले से तब तो ठीक है, जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर आपको नया लेना है तो वो चीज़ें आपको वहाँ से नहीं ख़रीदना है, वो आप आके अमेरिका में ही लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें आपको सही डील पे मिल जाती है। और अगर आपके जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं कुछ भी, तो वो आपको नहीं लाना है इंडिया से, क्योंकि वो सारी चीज़ें जैसे किचन स्टफ है, जैसे आप कह सकते हैं कि मिक्सर ग्राइंडर है या फिर हेयर ड्रायर है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं चलेंगी, क्योंकि यहाँ का और इंडिया का जो शॉकेट होता है, जो पावर होता है, वो डिफरेंट होता है, तो वो ना तो यहाँ का वहाँ चलेगा और ना वहाँ का यहाँ चलेगा, तो इसलिए वो चीज़ें यहाँ पे लाना आपके बेकार हो जाएगी, तो इसलिए वो चीज़ें नहीं लानी है। लास्ट टाइम हम इंडिया गए थे और हम अपनी बेटी के हेयर ड्रायर के लिए हेयर ड्रायर लेके गए थे, और जब भी हम वहाँ पे लगाते थे अगर वो इन्वर्टर पे चल रहा होता था तो पता चला पूरी लाइट ऑफ हो जाती थी, तो काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो इसलिए वो चीज़ें आप ना लाओ। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो यहाँ के यहीं यूज़ होंगे और वहाँ के वहीं यूज़ होंगे, तो उन चीज़ों को ना ही लाना बेहतर होता है। फिर उसके बाद हम थोड़े से कपड़े हैं या फिर आपका फ़ोन है, आप फ़ोन ज़रूर यहीं पर आके लो अगर आपको नया लेना है तो। हर जगह के फ़ोन जो है ना, जो वहाँ के फ़ोन है वो यहाँ पर नहीं चलते, बहुत सारे आपको चीज़ों में बहुत लंबा टाइम देना पड़ता है। और जो चीज़ें आपको लानी है, आप किचन के चीज़ों पे आ जाते हैं, आप चले किचन के जो प्रेशर कुकर होते हैं वो इंडिया से ज़रूर लाने चाहिए, जो कि थोड़ा मीडियम साइज़ का हो, क्योंकि वो यहाँ पे काफ़ी यूज़फुल होता है। आप जब इंडिया से अमेरिका आते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, और जो भी कुकवेयर लाओ ना तो वो इंडक्शन सेफ होने चाहिए, ताकि आप इजीली उसमें आप अपने कुकिंग कर सको, क्योंकि हर जगह के जो स्टोव सिस्टम यहाँ पे होते हैं ना वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं वो इंडक्शन बेस्ड होते हैं, अभी के टाइम पे ज़्यादातर इंडक्शन बेस्ड हैं, तो अच्छा है कि आप इंडक्शन वाले ही कुकवेयर लाओ और डिश वॉशर सेफ हो। साथ में ही आप प्रेशर कुकर के अलावा कढ़ाई, तवा या फिर जो चाय छन्नी होती है स्टील वाली, वो ज़रूर लाना, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं मिलती है। अगर आप यहाँ पे सोचोगे कि आपको मिल जाए तो मिल तो जाएगी, काफ़ी ढूंढने पे मिलेगी, और वो मिलेगा वो कौन सा, वो प्लास्टिक वाला, जो कि काफ़ी टाइम लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। तो आपको इंडिया से अगर आप आओ तो स्टील वाला जो चाय छन्नी है वो ज़रूर लाना चाहिए। अगर आप इडली खाना पसंद करते हो तो इडली मेकर, और डोसा खाना चाहते हो पसंद करते हो तो डोसे वाला जो तवा होता है, वो सारी चीज़ें ज़रूर लानी चाहिए, वो काफ़ी यूज़फुल होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा विंटर वेयर की, क्लोथिंग के बारे में। तो यहाँ पे आप अगर आ रहे हो यूएस में, तो अगर आप ठंडे के टाइम पे आ रहे हो तो आपको इंडिया से, अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो अमेरिका में, ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत ठंडी नहीं पड़ती है, तो आपके पास जो है आप वो उसके साथ यहाँ पे आके आप अपना दो चार रोज़ गुजार सकते हो। पर अगर आप ये सोचो कि आपको नया लेना है तो आप वहाँ से नया लेके ना आओ, क्योंकि वो वहाँ के हिसाब से सही होता है, वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से वहाँ का सही होगा, वो यहाँ आके काम नहीं करेगा। तो यहाँ आके ही आप नया ले लो, तो यहाँ पे डील्स पे काफ़ी कुछ मिल जाता है, तो आप डील पे लो तो आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो
काफ़ी आपको रिजनेबल प्राइस पे भी मिल जाते हैं। हर तरह के यहाँ स्टोर्स होते हैं, आप आने के बाद थोड़ा सर्च करो, उसके बाद आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती है आसानी से। आपको शूज़ भी वहाँ इंडिया से निकले के आने, आप फॉर्मल शूज़ वहाँ से ले सकते हो, पर यहाँ पे आके आपको स्पोर्ट्स शूज़ और स्नो बूट्स ये सारी चीज़ें आपको यूएस में ही आके लेनी चाहिए, अमेरिका में ही आके लेनी चाहिए। इंडिया से लाना आपका ये चीज़ें जो वर्क नहीं करेगा। आपको अपने इनर वेयर्स ज़्यादा लाने चाहिए, एटलीस्ट 1 वीक का लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्ड्री सिस्टम होता है अमेरिका के, चाहे आप न्यूयॉर्क में हो चाहे न्यूजर्सी में हो, तो उन जगहों पे जो है वो घर में आपके लॉन्ड्री सिस्टम नहीं होता है, उसके लिए आपको वीकली ही लॉन्ड्री करनी होती है। तो इसलिए आपके पास एटलीस्ट 1 वीक का जो है वो इनर वेयर होना चाहिए। अगर आप 10 पेयर लाते हो तो वो आपके लिए बेस्ट है। इसी तरह आपको जो चीज़ें नहीं लानी है उसमें है ग्रेन्स, होल ग्रेन्स है, या फिर सीड्स जो है, स्पाइसेस जो सीड्स होते हैं, खड़े जो गरे मसाले होते हैं, या जीरा है, दाल चावल है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लानी है। अगर आप इस तरह की चीज़ें लाओगे तो आप किसी ना किसी तरह के, जब आप कस्टम में फंस जाओगे ना, तो आपको काफ़ी लंबा फाइन लग सकता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं लानी होती है, आपको वहाँ पे क्लियर पूछा जाता है। अगर आप इस तरह की चीज़ें लाए हो ना, तो आपको काफ़ी बड़ा फाइन लगता है और काफ़ी आपका वक्त और एनर्जी भी लगती है। तो अच्छा है कि आप इसी तरह की चीज़ें ना लाओ। आप घर के बने हुए जो लड्डू होते हैं, मिठाई होती है, उस तरह की चीज़ें आप ला सकते हो, ताकि आप जब इनिशियल डेज में आप अमेरिका में आओ तो आपके पास कुछ खाने की चीज़ें हों, इस तरह की स्नैकिंग वाली चीज़ें हों, या फिर कुछ इंस्टेंट कुकिंग वाली चीज़ें भी आप ला सकते हो, जैसे कि मैगी है या फिर इंस्टेंट पोहा है, इस तरह की चीज़ें ला सकते हो। पर आप जो ग्रेन्स है ना, वो बिल्कुल नहीं लाना, क्योंकि अगर आप उस तरह की चीज़ें लाओगे तो आप काफ़ी मुश्किल में पड़ सकते हो जब आप इमिग्रेशन के लिए होगे। तो आई होप मेरी छोटी सी जो कोशिश है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ आप बताना कि इसमें मेरे जो चीज़ें हमने बताई हैं, इनमें हो सकता है बहुत सारी चीज़ें छूट गई हों, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो भी इसी से रिलेटेड थोड़ी सी हो। ये तो हमने सिर्फ लगेज बैग में क्या चीज़ें आप ला सकते हो वो बताया है, और अगर आप देखना चाहते हो कि हम और क्या क्या चीज़ें ला सकते हैं, तो उसके लिए आप मेरे जो ट्रैवल लिस्ट में काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो जो बनाएं तो उसमें हम क्या चीज़ें कैरी बैग में ला सकते हैं उसके बारे में हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, हमें रखें दुआ में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।